नमस्कार, आप देख रहे हैं धे टीवी और आज हम बात करेंगे भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग की। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2030 तक इस उद्योग का कुल कारोबार 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा, लेकिन क्या ये लक्ष्य आसान होगा? पिछले कुछ सालों में उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसके 10% वार्षिक वृद्धि दर पर सवाल खड़े हो गए हैं। आइए इस पूरे मामले को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं करंट स्टेटस क्या है। साल 2021 में भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग का आकार लगभग 153 बिलियन डॉलर था, जिसमें से 110 बिलियन डॉलर भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक है, जिसका वैश्विक बाजार में 5.4% हिस्सा है। इस उद्योग का जीडीपी में योगदान करीब 2.3% है और 2023 में कुल निर्माण क्षेत्र में इसका 10.6% हिस्सा था। इसके अलावा लगभग 10.5 करोड़ लोग इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उद्योग में गिरावट देखने को मिली है। 2021 और 22 में भले ही 43.4 बिलियन डॉलर के निर्यात से तेजी आई, लेकिन 2022 और 23 से मांग में गिरावट और 2024 तक निर्यात और घरेलू मांग में और कमी आई। तमिलनाडु जैसे बड़े उत्पादन केंद्रों में लगभग 500 मिलें बंद हो गईं और त्रिपुर जैसे स्थानों में व्यापार में 40% की गिरावट देखी गई। सवाल उठता है कि एक्सपोर्ट इश्यूज क्या क्या हैं? दरअसल इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी और भू राजनीतिक हालात हैं। इसके साथ ही कच्चा माल जैसे कपास और मैन मेड फाइबर्स की कीमतें बढ़ गई। भारत में कपास पर 10% आयात शुल्क लागू है, जिससे भारतीय कपास की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा हो गई। MMF में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों ने भी कच्चे माल की उपलब्धता और मूल्य स्थिरता को प्रभावित किया। इस कारण उद्योग बार बार मांग कर रहा है कि कम से कम अप्रैल से अक्टूबर तक कपास पर आयात शुल्क हटा दिया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल मिल सके। इसके अलावा अदर चैलेंजेस भी हैं। नीतियों के अलावा उद्योग के पारंपरिक व्यवसाय मॉडल में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब ई कॉमर्स के जरिए ग्राहकों तक सीधे वस्त्र बेचने का चलन बढ़ रहा है, साथ ही विदेशी ब्रांड पर्यावरण संबंधी स्थिरता को लेकर सख्त हो रहे हैं और अपनी आपूर्तिकर्ताओं से भी इस दिशा में कदम उठाने की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा ग्राहकों की पसंद में भी बदलाव आया है। अब आरामदायक कपड़ों जैसे लाउंज वियर और एथलीजर की मांग बढ़ रही है। यहाँ तक कि ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में लोग अब मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में खरीदारी करना पसंद करते हैं। अब जरा इसके फ्यूचर आउटलुक को समझ लेते हैं। अगर फ्यूचर की बात करें तो साल 2030 तक इस उद्योग को 350 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए लगभग 100 बिलियन डॉलर का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। इस उद्योग में मजदूरी उत्पादन लागत का 10% होती है। एक प्रशिक्षित कपड़ा श्रमिक की औसत दैनिक मजदूरी 550 रुपए और अकुशल श्रमिक की 450 रुपए है। उद्योग को उत्पादकता बढ़ाने और बर्बादी कम करने के लिए टेक्नोलॉजी और कुशलता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग के सामने चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अवसर भी बहुत बड़े हैं। अगर सही नीतियां लागू की जाती हैं और कच्चे माल की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाता है तो 2030 तक 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। टेक्नोलॉजी और कुशलता पर जोर देकर इस उद्योग में सुधार किया जा सकता है। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, आप देख रहे हैं धे टीवी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।